लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को राजगढ़ बड़ौदामेव और बगड़ तिराहा थाना पुलिस ने विशेष नाकेबंदी कर सघन चौकिंग अभियान चलाया। इस दौरान तीन कारों से 18.25 लाख रुपए नगद जब्त किए गए। आयोग के निर्देशानुसार अवैध कैश व अवैध शराब की तस्करी की रोकथाम के लिए अलवर जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के शीतल व पिनान क्रॉसिंग और हरियाणा सीमा पर स्थित आबकारी चेक पोस्ट व नौगावा नाकों पर पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पिनान नाके पर एक कार रोककर तलाशी ली। कार में 3,08,500 रुपए मिले। कार चालक इस रकम के बारे में संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे सका। इस पर रकम व कार जब्त कर ली गई है। इसी प्रकार बड़ौदा में थानाधिकारी बने सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के शीतल नाके पर नाकेबंदी के दौरान एक कार से 8,02,000 रुपए नकद बरामद किए। बगड़ तिराहा थानाधिकारी उमाशंकर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने नाकेबंदी के दौरान एक कार से 7,15,000 रुपए जब्त किए। देखिए, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे जिले में नाकाबंदी और धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल पुलिस थाना बड़ौदा में ने पिछले दो दिनों में करीब 8 लाख रुपए की नकद, जो अपना थाना राजगढ़ है उसने करीब 3 लाख रुपए नकद और बगड़ तिराहा ने करीब 7.5 लाख रुपए नकद पकड़े हैं। इनको नियमानुसार इंटरसेप्ट करके और मालखाने में रखा है और जो अब जिला स्तरीय कमेटी है उसको ये रेफर होंगे, जो 7 दिन में इनके निस्तारण का निर्णय लेंगे।